में जो अपने पास सिलेबस में पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें हमारा पॉइंट है टैक्सोनॉमी, और स्पेशली अगर हम एनिमल में बात करें तो 11th और 12th लेवल यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इस लेवल पे उसने हमको फाइलम तक स्टडी करने के लिए कहा हुआ है। फाइलम तक, अप टू फाइलम, संघ तक जाना है हमारे। और बीएससी लेवल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे अप टू क्लास लेवल जाएंगे, क्लास करेंगे प्लस क्लास में उनके एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। वर्ड लिया वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, ये सब जीव एक दूसरे से आकारी के रूप से, क्रियात्मक रूप से, आवास की दृष्टि से और भी कई आधारों पर एक दूसरे से अलग अलग है। इन जीवों में कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी, कुछ असमानताएं देखने को मिलेंगी। तो हम अपने अध्ययन को सरल करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम उनको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, वर्ग बनाते हैं, समूह बना देते हैं हम उनके। अब एक समूह के अंदर हम उन जीवों को रखेंगे जो लक्षणों में समान हो। अब अगर हमने उस एक समूह के एक जीव का अध्ययन कर लिया, इट मीन्स हमने उस समूह के सभी जीवों का अध्ययन कर लिया, अब हमारा काम आसान हो गया। तो वो है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता इस कारण से, और कोई लॉजिक नहीं होता वर्गीकरण का। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पर देखते हैं, हर जगह आपको वर्ग मिलेंगे देखने को, होते हैं कि नहीं? अब जैसे मार्केट में जाइए आप, मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर है, लिखा हुआ है, उसने लिख दिया डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाके कपड़े मांगेंगे? वहाँ पे तो डेली यूजेज का जो सामान है वो मिलेगा। एक ने लिख दिया रेडीमेड मेंस वियर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर, अब देखो मेंस और लिखा है उसने, वर्ड चेंज हो गया यहाँ पर। रेडीमेड वियर लिखता तो फिर बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबके कपड़े आ गए, लेकिन उसने रेडीमेड मेंस वियर कर दिया। अब यहाँ पर साहब केवल और केवल नर मानव के ही कपड़े मिलेंगे, मादा मानव के कपड़े की होप करना बेकार है, आप साड़ी नहीं जाके मांग सकते वहाँ पर। तो इसी तरीके से वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन हमारा चलता है, टोटल यही वर्गीकरण है, हर जगह देखने को मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही कि हम किताबें पढ़ें, हमारे चारों ओर भी वर्गीकरण हुआ पड़ा है, इवन हमारी सोसाइटी में ही वर्गीकरण है। ठीक, तो ये तो वर्गीकरण की आवश्यकता है। अब वर्गीकरण करने का जो सबसे पहला प्रयास था वो किसी टाइम पर अरस्तु ने किया था। अरस्तु वो पहला वैज्ञानिक बोलेंगे क्या, अरस्तु को वैज्ञानिक बोलोगे? फादर तो बात अलग होती है, फादर का मतलब नहीं है, वैज्ञानिक बोलूं या कुछ और बोला जाएगा, वर्ड दूसरा है अरस्तु के लिए। अरस्तु के लिए दार्शनिक वर्ड यूज होता है, वैज्ञानिक में और दार्शनिक में अंतर है। वैज्ञानिक प्रयोग करता है, प्रयोग के परिणाम के आधार पर नियम बनाता है, और जो दार्शनिक है, जो दार्शनिक है वो केवल आराम से कुर्सी पर बैठ जाएगा और अपनी बातों को लोगों को बताता रहेगा, कोई प्रयोग नहीं करना, यानी कि कंसेप्ट से उसका कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिकली उसका कोई चीज़ से लेना देना नहीं है, उसके तो केवल कंसेप्ट देने कि भैया ये चीज़ है। तो अरस्तु एक दार्शनिक है, क्योंकि अब सर कैसे कह दिया दार्शनिक है, अरस्तु का नाम आपको साइंस में मिलेगा, अरस्तु का नाम आपको आर्ट्स में मिलता है या नहीं है? तो फिर एक वैज्ञानिक क्या आर्ट्स में ही प्रयोग करने पहुँच गया, ये क्या मतलब हुआ? तो अरस्तु दार्शनिक है, तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। ये जो उसका वर्गीकरण था ये बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर पर था, बहुत एक दो कैरेक्टर उसने लिए और उसने उसके आधार पर जंतु जीवों को वर्गीकृत कर दिया। उसके बाद अरस्तु का शिष्य था थियोफ्रेस्टस, उसने प्लांट्स को यानी पादपों को लंबाई के आधार पर बांट दिया,
जो सबसे छोटी हाइट के पादप थे उनको तो कह दिया ये शाख हैं, थोड़े से बड़े थे उनको कह दिया ये झाड़ी हैं, और जो ज़्यादा लंबे थे उनको कह दिया ये वृक्ष हैं। यानी कि करैक्टर क्या लिया गया, पादप की लंबाई, और किसी चीज के करैक्टर की और ध्यान ही नहीं है। इसके बाद कैरोलस लीनियस, बीच के सारे छोड़ दो कोई दिक्कत ही नहीं है, लीनियस पर आ जाओ। लीनियस ने बायनोमियन नॉमनक्लेचर दिए, द्विनाम पद्धति दिए, और लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसने समस्त जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। एक में तो पादप रख दिए और एक में जंतु। अब पादप और जंतु के नाम से एक चीज़ समझ में आती है, पादप हम उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, और जंतु हम उन्हें कहते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अर्थ है। ठीक, तो इसका आधार क्या होना चाहिए, पोषण के आधार। पोषण के आधार पर उसने पादप और जंतु दो वर्ग बना दिए। अब इसमें समस्या खड़ी हुई, पादप और जंतु तो बना दिए, लेकिन कोई जीव तो एक कोशिका से बना है, कोई बहुकोशिक है, कोई ऊतक से बना है, कोई अंग है, कोई अंग तंत्र है। अब ये सारे एक जगह कैसे कर दिए, ये तो अलग अलग करो। तो समस्या हुई, तो फिर आया हेकल। हेकल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया, उसने मोनेरा अलग निकाल लिया इसमें से, उसने इसमें से मोनेरा अलग निकाल लिया। मोनेरा में उसने सारे के सारे एक कोशिक जीव रख दिए। बाकी और बताऊंगा कि और एक कोशिक के साथ और कौन सा वर्ड था, ठीक है। लेकिन उसने एक कोशिक जीवों को इसमें से अलग किया और मोनेरा में रख लिया, तीन हो गए। अभी भी समस्या थी, अभी भी कुछ जीव ऐसे थे जो प्लांटी में और एनिमेलिया में आ रहे थे, जो यूनिसेलुलर थे यानी एक कोशिक थे। अब तो उसके बाद आया कोपलैंड। कोपलैंड ने फोर किंगडम दिया, चार किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब मोनेरा और प्रोटिस्टा दो आ गए, दोनों में एक कोशिक जीव हैं, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोट रखे जा रहे हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट रखे जा रहे हैं। प्रोकैरियोट मीनिंग पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब एंशियंट, प्राचीन, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक। तो वे जीव जिनमें प्राचीन प्रकार का केंद्रक है वो प्रोकैरियोट। अब प्राचीन सर कितना प्राचीन, कि भैया जब पहला जीव बना होगा, तो पहला जब जीव बना था तो नेचुरल है उसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं थी, तो ये केंद्रक झिल्ली रहित कोशिक संरचनाएं, एक कोशिक संरचनाएं हैं। तो ये सारी मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट रख दिया गया। यूकैरियोट में सुसंगठित केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये केंद्रक है, यानी कि केंद्रक झिल्ली उसके चारों ओर है, तो वो यूकैरियोट में। अब दूसरा आधार लिया जा रहा था वर्गीकरण में, पहले देखो डिवाइड किस आधार पर किया। देखो वर्गीकरण करना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको बेस तो बनाना पड़ेगा ना, भाई इसके आधार पर अलग कर रहा हूँ मैं, तो आधार तो दो उसको। तो प्लांट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो गए थे जिनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंस था। कुछ की सेल वॉल तो काइटिन की बनी थी, कुछ की सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी थी। तो फिर आया आरएच विट्टेकर। विट्टेकर ने पांच किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और ये पांच किंगडम हम पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सिक्स किंगडम आ चुका, वूज ने दिया है, ठीक है ना। उसने क्या किया है, मोनेरा को और डिवाइड किया है, ठीक। वो चीज़ अलग जाती है, वो थोड़ा सा मैटर बाहर होता है हमारा, इतनी डिटेल नहीं चाहिए उसकी, क्योंकि क्या हुआ, वूज, वूज ने दिया था, WOOZ, उसने दिया, ठीक है। तो ये छः किंगडम अभी हमारे कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में पाँच किंगडम है। अब इसमें से हमको कौन सा पढ़ना है, एनिमेलिया। यानी कि जंतु, अब जंतु और पादप में कुछ अंतर पता होने चाहिए पहले। तो
पहला तो देखें कोशिका भित्ति किस में मिलेगी, पादप में, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं, पहला अंतर। दूसरा अंतर पोषण, जंतु कैसे हैं, विषम पोषी, हिटरोट्रॉफ हैं ये, और पादप स्वपोषी, ठीक है। उसके बाद फिर इनके कैरेक्टर्स में अंतर आना शुरू हो जाएंगे। बेसिक दो कैरेक्टर चलेंगे कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं है और ये विषम पोषी प्रकार के जीव हैं। अब इन जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए हमें कुछ लक्षणों को पहले पढ़ना पड़ेगा। जब हम उन लक्षणों को पढ़ लेंगे तब हमारे लिए वर्गीकरण आराम से हो जाएगा। पहला जो हम लक्षण लेते हैं वो लेते हैं जीवों के शरीर की कोटि, ऑर्गेन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोटि यानी इस जंतु के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं किस प्रकार से जुड़ रही हैं, किस प्रकार अंगों का निर्माण कर रही हैं, तो उस आधार पर कोटि बनाई जाएगी। सबसे पहले आती है जीव द्रव्य संगठन कोटि, पहली जो आती है वो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन आती है, जीव द्रव्य संगठन कोटि। जीव द्रव्य संगठन कोटि में उन जंतु और उन जीवों को शामिल करेंगे जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से बना है, सिंगल सेल है, यानी जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे एक कोशिका द्वारा ही संपादित हो रहे हैं, तो वो कहलाएगी जीव द्रव्य संगठन कोटि, अमीबा। उदाहरण हमारा अमीबा, एक कोशिका है, एक ही शरीर है, सारे के सारे कार्य एक ही कोशिका कर रही है, तो वो जीव द्रव्य संगठन कोटि में आ गया। अब उसके बाद आती है कोशिकीय संगठन की कोटि, कोशिकीय संगठन यानी कि यहाँ पर ये सारे जीव कैसे होंगे, बहुकोशिक होंगे, एक से ज़्यादा कोशिका इनके शरीर में हैं, अर्थात ये बहुकोशिक हैं। अब बहुकोशिक संरचना आ रही है तो नेचुरल है सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित हुई होंगी, अलग अलग कार्य करेंगी, एक ही कार्य सभी कोशिका द्वारा नहीं कर रहा है, ये अर्थ आ जाएगा। तो ऐसे कैटेगरी में हम डाल देंगे कि पॉरीफेरा आ गए, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा के जो संघ के सदस्य आते हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। अब उसके बाद आ जाएगी ऊतक संगठन कोटि, कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, परिवर्धन समान हो और एक ही कार्य करें वो ऊतक कहलाते हैं। उत्पत्ति समान होनी चाहिए, परिवर्धन समान होना चाहिए, कार्य एक समान होना चाहिए, तीनों कैटेगरी पर सेम जाए, उस समूह को हमने ऊतक का। अब ऊतक संगठन की कोटि आपको प्लेटिहेल्मिंथीज पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर जा रहा है, वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर जा रहा है, क्योंकि एक कोशिक से हम किस ओर जा रहे हैं, बहुत की है शरीर की ओर बढ़ रहे हैं, तो जटिलता बढ़ रही है। उसके बाद आती है अंग कोटि, कई प्रकार के ऊतक मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं और अंग बना देते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जो कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने, तो ये कौन से संगठन हो जाएगा, ये अंग कोटि हो जाएगी, जो कि अब आपके एनालिट से प्रारंभ होती है। उसके बाद आती है अंग तंत्र कोटि, कई अंग मिलकर एक कार्य करें, आहार नाल में कई अंग हैं, ग्रसिका है, आमाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, ये सब अलग अलग अंग हैं, लेकिन कार्य एक ही है, पाचन कार्य एक ही इनका, तो ये कौन सा हो गया, ये अंग तंत्र कोटि हो गई जो उच्च वर्ग के जीवों में मिलती है। तो पहला बिंदु तो हमारा कौन सा रहेगा, शरीर संगठन की कोटि, नोट कर लीजिए, नोट करो, पॉइंट भूलने नहीं है हमारे को। हाँ, पहले तो डालिए जंतु वर्गीकरण, पहले तो पॉइंट डालिए जंतु वर्गीकरण, कोई बात नहीं, जंतु वर्गीकरण पहला पॉइंट तो लिखेंगे, वर्गीकरण की आवश्यकता लिख दीजिए, वर्गीकरण की आवश्यकता अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को वर्गीकृत किया जाता है।
लाइन हमारे को छोटी रखनी है, पूरी बड़ी थ्योरी नहीं बनानी। बड़ी थ्योरी करके हमें वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने भाई, अरे ना बात समझ में, मल्टीपल क्वेश्चन करने हैं हमारे को, तो वहाँ तो टिक लगाने का काम है। ये थोड़ी है कि हमारे को हमारी बीएससी की तरह पूरी थ्योरी लिखनी है कि साहब पाँच पन्ने भर दिए, पाँच पन्ने भरने ही नहीं हमारे को, टिक लगाने। तो हमारे को पॉइंट भी छोटा बनाना है ताकि याद भी आराम से हो जाए और ध्यान रहे। पॉइंट अगर छोटा होगा तो वो ध्यान रहेगा दिमाग में हमेशा कि भाई इसके आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता अध्ययन की सुविधा के लिए है। वर्गीकरण में जीवों को, वर्गीकरण में जीवों को समानताओं व असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। समानताओं व असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आपका, शरीर संगठन कोटि। शरीर संगठन कोटि, बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब पहली कोटि कौन सी आएगी? कोशिकीय संगठन। इसके आगे एक लाइन लिख दीजिए, जीव शरीर एक कोशिका से बना है। जीव शरीर एक कोशिका से बना है तथा सभी कोशिकीय संगठन में, कोशिकीय कोटि जो है ना पहला पॉइंट, उसके अंदर लिखें आप जीव शरीर एक कोशिका से बना है तथा सभी कार्य एक कोशिका द्वारा संपादित हैं। सभी कार्य एक कोशिका द्वारा संपादित हैं। क्या एक मिनट, हेडिंग क्या डाली थी आपने? एक मिनट, गलत हो गया। जीव द्रव्य संगठन आए, जीव द्रव्य, कोशिकीय नहीं, जीव द्रव्य, काटो इसको, कोशिकीय गलत है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य संगठन, उसके बाद आएगा कोशिकीय संगठन, सेकंड आएगा कोशिकीय संगठन कोटि, सेकंड आएगा कोशिकीय संगठन कोटि, ठीक है। अब शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं जो कार्यों के अनुरूप विभाजित हैं। कोशिकीय संगठन कोटि डालिए और उसमें लिखिए, शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं जो कार्यों के अनुरूप विभाजित हैं। ये हमारा दूसरा आधार हो गया। तीसरा, धीरे धीरे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आएगा ऊतक संगठन कोटि, ऊतक संगठन कोटि। ऊतक की परिभाषा लिखाई जाए, ध्यान रहेगी या लिखवा नहीं जाए? लिख लो, याद रहेगी। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का नहीं, बायोलॉजी शब्दों का उपयोग सोच समझकर, ये ध्यान रखें। आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों का आंसर लिख रहे हैं, शब्द का अगर क्रम भी बदलेगा ना प्रश्न में तो नीचे उत्तर बदल जाएगा, ये ध्यान रख लेना। रटंत विद्या काम नहीं आती, इसलिए ध्यान रखिए। कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति में समान, परिवर्धन में समान तथा कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है, ठीक है। अब चौथा लिखिए, अंग संगठन, अंग संगठन। हाँ, अंग संगठन, ठीक ठीक, अंग संगठन, ठीक है। अब अंग संगठन में लिखिए, ऊतकों का समूह मिलकर एक कार्य के लिए अंग का निर्माण करता है। एक कार्य के लिए अंग का निर्माण करता है। और लास्ट, अंग तंत्र कोटि, अंग तंत्र कोटि।
कई अंग मिलकर एक कार्य को संपन्न करते हैं, कई अंग मिलकर एक कार्य को संपन्न करते हैं। अब सब में उदाहरण डालिए। सबसे पहले जीव द्रव्य में कौन सा डालेंगे? प्रोटोजोआ डालिए। जीव द्रव्य में जहां पर जीव द्रव्य लिखा है वहीं डालो ना, अलग क्यों कर रहे हो उसको? कोई बात नहीं, मैं चेक तो करूं आप कैसे लिखते हो। मैं यहां से देख रहा हूं कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, मुझे सब दिखाई देता है यहां से। आप ये मत सोचना कि मेरे को पता नहीं लग रहा कि क्या लिखा, ठीक है ना, मेरे को सब पता रहता है। मैं न एक शब्द लिखना है, एक शब्द की जगह मिलती है, ठीक है, वहीं लिखो, वहीं लिखो जीव द्रव्य में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ। उसके बाद कोशिकीय में लिखिए पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा। और उत्तक में प्लेटीहेल्मिंथीज, उत्तक में प्लेटीहेल्मिंथीज। फिर अंग में एनेलिडा, एनिलिडा। और लास्ट में लिख दीजिए अंग तंत्र में उच्च वर्गीय जीव, उच्च वर्गीय जीव। ये सारे कॉर्डेट्स आ जाएंगे अब आपके पास, ठीक है। तो ये तो हुई कोटि वर्गीकरण में, पहले तो हम कोटि का निर्धारण करते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट लिया जाता है वो लिया जाता है सममिति, सिमेट्री। दूसरा जो उदाहरण लेंगे वो लेंगे सममिति। सममिति का अर्थ क्या है? सममिति होती है शरीर में अंगों की व्यवस्था। अब सममिति के लिए हम शरीर की केवल और केवल लंबवत काट का उपयोग करेंगे, केवल लंबवत। बात समझ में आती है? लंबवत यूं काटी जाएगी, और अगर यूं काट दी तो अनुप्रस्थ, और अगर इस तरह से काट दिया तो तिर्यक ओब्लिक। तीन काट मुख्य होती हैं, और एक और भी होती हैं लेकिन यही है। हृदय की संरचना पढ़ी, हृदय की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम कौन से काट का उपयोग करते हैं? चित्र के नीचे लिखा हुआ था किताब में, ध्यान दिए, सम्मित तल काट, तल काट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वो चीज आती है, वो चीज भी बताऊंगा। फिलहाल तो सममिति को चेक करें। तो अगर शरीर के अंगों की व्यवस्था अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर आ रही है और बराबर बटे हुए हैं अंग, तो ऐसा जंतु सममित है, ऐसा जंतु सममित होगा। अब उसने कह दिया अंग, अब नेचुरल है अंग तो एक कोशिक जंतु में तो नहीं मिले, तो प्रोटोजोआ को तो हम सममिति में शामिल कर ही नहीं सकते। अब केवल कौन से जंतु बचेंगे? बहुकोशिक बचेंगे हमारे पास। तो सममिति का निर्धारण केवल और केवल बहुकोशिक जंतुओं में होता है, एक कोशिक जंतुओं में हम सममिति का निर्धारण करते ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अब सममिति के आधार पर जंतु दो प्रकार के आ जाएंगे, दो प्रकार के जंतु आ जाएंगे। पहला असममित और दूसरा सममित। असममित जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, प्रोटोजोआ के सदस्य कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक, पॉरीफेरा के सदस्य कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये दोनों तो असममित जंतु है। असममित का अर्थ आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, कोई भी वस्तु है जिसकी आकृति निश्चित ही नहीं है, जिसकी आकृति निश्चित ही नहीं है। अब आकृति निश्चित नहीं है तो फिर उसके अंगों के शरीर को कैसे दो बराबर भागों में बांटोगे? बांट ही नहीं सकते, तो वो असममित हो गया।
अमीबा की आकृति निश्चित है? नहीं है। बॉटनी में एक जंतु और पढ़ते हैं जो असममित होता है, माइकोप्लाज्मा, जोकर्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जगत के क्या कहते हैं, जोकर। शरीर की आकृति सीमित होती नहीं, तभी तो उन्हें पॉलीमॉर्फिक कहा है, बहुरूपी, यही रीजन है। पढ़ने के अंदर मजा तभी आता है जब जूलॉजी को बॉटनी में, बॉटनी को जूलॉजी में जॉइंट करो और आंसर निकालो, तब मजा आएगा पढ़ने में और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको देखो दूसरे टॉपिक से कहीं मिक्स होता है क्या, ये कहीं मैच है क्या, इनमें कहीं लिंकिंग है क्या कोई? अगर लिंक ढूंढोगे तो पढ़ने में मजा आएगा, बोरियत नहीं होगी कभी भी। बोर बच्चा इसीलिए होता है, एक ही एक चीज़ पढ़ाया जा रहा हो सर, दिमाग थक गया ये और वो। तो हमेशा कोशिश करो कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करो और फिर उत्तर निकालो, तब खुद का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अरे वाह, इसका आंसर तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये लो। मज़ा तभी आता है पढ़ने में, नहीं तो नहीं आता मज़ा, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे ही हमारे तो सिर पड़ा बाहर है, है या नहीं है बता दो, सिर पड़ा बाहर ही है। याद करो पहला दिन कौन सा, स्कूल का, पापा उंगली पकड़ के चल स्कूल में छोड़ के आऊँ, पूरा मोहल्ला सिर पे उठा लिया था रो रो कर, नहीं जाऊँ है, और ज़बरदस्ती बाई जी के हाथ में पकड़ाए आए थे और बाई जी ने उठा के चुपचाप करके टॉफी दे के बैठ जा चुपचाप क्लास में बैठा दिया था, आती है ना। तो उस दिन ही बुरे दिन तो शुरू हो ही गए थे हमारे, ठीक है, कोई बात नहीं, करना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को, अगर सही शब्दों में बोलूं तो आदमी को मानव ज्ञान बनाता है, आदमी को मानव ज्ञान बनाएगा। तो ज्ञान इसलिए जरूरी है हमारे। असममित जिसके शरीर की आकृति निश्चित नहीं है वो सारे के सारे असममित। अब जिनके शरीर की आकृति निश्चित होगी वो सारे के सारे सममित। अब सममित को फिर दो भागों में बांट देंगे हम, फिर हम दो भागों में बांटेंगे। पहला बोलेंगे अरीय रेडियल और दूसरा बोलेंगे द्वि पार्श्व। सीधे सीधे उदाहरण लेंगे, समझ में आराम से आएगा। अरीय सममित, गेंद देखिए, गेंद देखिए, तो गेंद कैसी होती है, इसको मैं कहीं से भी इसके सेंटर से होके काटूं, चाहे यूं काटूं, यूं काटूं, यूं काटूं, कैसे भी काट लूं, इसके दो बराबर भाग ही होंगे, तो ये कौन सा जंतु हुआ, अरीय सममित हुआ। आ गई बस। गेंद किससे खेली जाती है, बैट से, ठीक है ना। उदाहरण ऐसे लो ना जिसमें याद तो हो, ऐसे उदाहरण लेने से क्या फ़ायदा जो किताब में लिखे हुए हैं, किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, हम तो वो उदाहरण दें जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हों। तो बैट को आप यहाँ से काटोगे ना तो ये दो बराबर भाग होंगे, दूसरी जगह से हो ही नहीं सकते, करके दिखाओ, नहीं होंगे सर। आपके हाथ में बोतल है, इसको एक ही अक्ष से काटोगे, ध्यान रखना अनुलंब अक्ष का ही उपयोग होगा, लंबवत का ही, अनुप्रस्थ का नहीं होगा, तिर्यक का नहीं होगा, अनुलंबी ही होगा, ठीक। और ये काट कहाँ से होकर गुजरनी चाहिए, केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, ये नहीं साइड से निकाल दी, नहीं, केंद्र से होकर गुजरेगी। तो यानी कि केंद्र का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर की अक्ष। अब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अक्ष आता है सर, आता है या नहीं आता, आता है क्या वर्ड कहीं, क्या बोलते हो अक्ष, किसको क्या बोलते हो, है हाँ एक्सिस, वो तो इंग्लिश वर्ड हुआ, अर्थ बताओ अक्ष का, जिस अक्ष के पारित वो वस्तु घूर्णन कर सकती है, वो अक्ष है उसकी, होती नहीं है, काल्पनिक रेखा है। तो इसके समानांतर अगर शरीर के दो बराबर भाग हो जाएं तो वो द्विपार्श्व सममित,
और इसके समानांतर शरीर को किसी भी उससे प्लेन से काटें, उसके दो बराबर भाग हो जाएं, तो अरिय सममित। अब इस अरिय सममित में दूसरा बिंदु और आता है, एक द्विअरिय। दूसरा बिंदु और है आपके पास द्विअरिय। होते ये जंतु अरिय सममिति हैं, लेकिन इनके शरीर में कुछ अंग अपनी व्यवस्था से अलग चले जाते हैं, तो इनको केवल किन्हीं दो तलों से ही दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। दो तल, एक तल नहीं है, दो तल। अरिय को तो आप किसी भी तल से काटो तो वो कट जाएगा, द्विपार्श्व को केवल एक ही तल से काटोगे, अब दो तल से काट रहे हो तो फिर वो द्विअरिय सममित, ये अलग टाइप जाता है। बीच में सममिति हमारे पास ये दो रहेगी, तो नोट कीजिए सममिति, सममिति। प्राणी के शरीर में अंगों की व्यवस्था, प्राणी के शरीर में अंगों की व्यवस्था सममिति कहलाती है। अंगों की व्यवस्था सममिति कहलाती है। सममिति का अध्ययन केवल अनुदैर्ध्य काट द्वारा किया जाता है, केवल अनुदैर्ध्य काट का यूज होगा, किया जाता है। सममिति केवल बहुकोशिक प्राणियों का लक्षण है, बहुकोशिक, एक कोशिक का लक्षण नहीं है। अब पहला पॉइंट डाल दीजिए असममित, असममित। वे जंतु जिनको किसी भी तल से, वे जंतु जिनको किसी भी तल से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, असममित जंतु कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटोजोआ, स्पंज, पॉरीफेरा। उदाहरण आपके प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, ये असममित हैं। प्रोटोजोआ के सदस्य और पॉरीफेरा के सदस्य असममित हैं, ठीक। हाँ, एग्जाम्पल में लिखो ना, प्रोटोजोआ व पॉरीफेरा के सदस्य ये असममित हैं। अगली डालिए अरिय सममित, अरिय सममित। वे जंतु जिनके शरीर को, अरिय सममित में लिखी, वे जंतु जिनके शरीर को अनुलंब अक्ष के पारित, हाँ ये सममित में आएंगे, वो फिर पॉइंट के रूप में लिखा देता हूँ ना, सारे अरिय फिर द्विपार्श्व द्विअरिय सारे एक साथ आ जाएंगे। सममित और असममित का तो और समझ में आ ही रहा है हमारे को, असममित अलग कर ही दिया, बाकी के जो बच गए वो सममित ही हैं सारे, ठीक है। हाँ तो ऐसे कर दो, सममित और अरिय दो, ऐसे करवाऊँ? हाँ तो ऐसे करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। तो फिर हम पहले इसको मिटा लें, इस पूरे को मिटा दें, ये मिट गया। अब ये लीजिए चार्ट बना दीजिए, सममिति के दो भाग कीजिए,
असम्मित, ये लीजिए, और सम्मित, फिर सम्मित के दो भाग कर लीजिए या तीन कर लीजिए, यहीं पर ही तीन कर लीजिए। पहला आर्य, दूसरा बायरेडियल द्विआर्य, और तीसरा द्विपार्श्व बायलेटरल, ठीक है। और एग्जाम्पल भी डाल दीजिए, एग्जाम्पल डालने यहाँ पर प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, ये लीजिए, और ये में आपके पास सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे, द्विआर्य में आपके पास टीनोफोरा का आ जाएगा, और द्विपार्श में आपके पास एनेलिडा से कॉर्डेट आ जाएगा, ये लीजिए, सबके एग्जाम्पल साथ में डल गए। अब तो इजी है, इतनी तो इंग्लिश लिख सकते हैं ना, बस। तो हो गया, अब हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा, अरिये, तो लिख लीजिए अरिये में, अरिये का नाम डाल के लिखिए, अरिये सम्मित, वे जंतु जिन्हें शरीर के अनुलंब अक्ष के पारित किसी भी तल से के पारित किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, द्विआर्य, द्विआर्य, वे जंतु जिन्हें अनुलंब अक्ष के पारित केवल दो तलों द्वारा ही बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, द्वारा ही दो तलों के पारित, अनुलंब अक्ष के पारित दो तलों द्वारा ही बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, दो तलों के द्वारा, केवल दो ही तल, और द्विपार्श्व सम्मित में क्या आ जाएगा, एक तल आ जाएगा, द्विपार्श्व सम्मित में लिख दीजिए अनुलंब अक्ष के पारित केवल एक तल द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, आ गया समझ, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं रोक लीजिए, कल और आगे बढ़ेंगे। अब ये जितने भी टर्म्स आएंगे ना, पहले ये सारी टर्म्स पढ़नी है, फिर तो प्रोटोजोआ, सर प्रोटोजोआ शुरू हो गया, ओके बच्चों ये असम्मित है, ये एक कोशिक है, ये वर्ड वर्ड वर्ड, ओके हो गया खत्म, एग्जाम्पल डाल दिए, काम खत्म। अब शब्द को देख के आपको अर्थ पता है, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा ये जंतु ऐसा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।